हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त फैजी रोमानिया से। तो बहुत सारे दोस्त मुझे कह रहे थे कि आप हमें शहर का विज़िट करवाएं, कि इनका मतलब रोमानिया में किस तरह आपका जो जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहां पे मतलब किस तरह का माहौल है। और तो मैंने सोचा आज आप लोगों को थोड़ा सा सैर करवा देता हूँ यहाँ पर। आज इनका जो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है ना चौक, तो ये उस चौक को बोलते हैं प्याचा यूनिटी। तो आज यहाँ पर इनका एक छोटा सा फेस्टिवल है कारों वगैरह मोटरसाइकिल्स का ना। तो चले आए फिर आज आपको थोड़ी सी सैर करवाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारे आवाम आई हुई है घूमने फिरने, सैर करने अपने फैमिलीज के साथ। कारें वगैरह देख सकते हैं हर टाइप की यहाँ पे। ये देखें बाइक्स देख लें कितनी ज़बरदस्त हैं। आज धूप भी निकली हुई है थोड़ी बहुत, तो हम लोग आज सैर कर रहे हैं फिर यहाँ पर। आए आए जैन भाई, यहाँ पर एक मेरे पाकिस्तानी दोस्त भी मेरे साथ हैं जैन भाई। तो अब ज़रा हम आपको थोड़ा सा, ये तो दोनों ही प्यारे लग रहे। कौन सी गाड़ी लेनी है जैन भाई आपने? मैंने यार अभी फिलहाल नहीं सोचा, ये तो बहुत महंगी है। अच्छा, इससे तो बेहतर अच्छा है कि पाकिस्तान में बंदा कोई और बिजनेस कर ले। अच्छा यार, ये भी बड़ी प्यारी कार लग रही है। ये तो काफी पुराने पुराने मॉडल हैं और बड़ी खूबसूरत गाड़ियां। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनका चौक है, तो आज सारे लोग ये खूबसूरत गाड़ियाँ देखने बाहर निकले हुए हैं। तो हमने सोचा आज आप लोगों के लिए वीडियो बना दी जाए। यहाँ पर रोमानियन लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं आज, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है ना, तो सब लोग घूमने फिरने निकले हुए हैं। तो अमेरिका और कनाडा से ये इम्पोर्ट हुई है, इधर आई है। अच्छा, अमेरिका और कनाडा से आई है। हाँ, ये इधर लगा है इनका लोगो, इधर चेक करवाएं इनको, इधर जूम। अच्छा वाह यार, जबर। अच्छा जबरदस्त। अच्छा तो मैं आपको जैन भाई से करवा देता हूँ। हाँ जैन भाई, आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं। वर्क ये भाई आए हुए हैं वहाँ से पाकिस्तान से वर्क परमिट पे, तो जॉब कर रहे हैं। अब आप लोग आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो लोग यार रोमानिया आ रहे हैं, आपको पसंद आया रोमानिया? बहुत अच्छी कंट्री है यार, सेफ कंट्री है, बंदा लीगल है, जब चाहे जिस वक्त जा सकते हैं। जी जैसे कि आपने सुना जैन भाई मतलब सेटिस्फाई है यहाँ पर, उनको रोमानिया यूरोप में है क्योंकि, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, आप यहाँ से रोमानिया से आगे भी जा सकते हैं, शेंजन के किसी भी कंट्रीज में आप वीज़ा अप्लाई करके जा सकते हैं। और यहाँ पे लाइफ भी अच्छी है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है बाकी शेंजन कंट्रीज की नस्बत। तो जो लोग इधर सेफ है, आपकी वैल्यू है इधर, जहाँ आगे अनलीगल हो के कचरे में रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे मतलब आप सेफ हैं और मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज सारी हैं, आपके राइट्स पूरे हैं, और आप मतलब अपनी आराम से मतलब जॉब भी कर सकते हैं, सैलरीज भी यहाँ पर अच्छी हैं। हाँ अच्छी है, अगर काम ज़्यादा करेंगे तो सैलरी इंप्रूव हो जाएगी। जी, और पार्ट टाइम का भी, ओवर टाइम का भी, मतलब पाकिस्तान आप निज़ाम चला सकते हैं अपना अच्छा। जी, तो जैसे कि आपने सुना कि पाकिस्तान से अगर कोई बंदा है तो वो अपनी यहाँ पे कमा के फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता है और सेविंग भी कर सकता है। तो आप सब लोग जो जो आना चाह रहे हैं वर्क परमिट पर, आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई करें और रोमानिया आएँ, मोस्ट वेलकम। और चलें आपको मज़ीद आपको थोड़े से और सैर करवा देते हैं।
चले यहाँ पे थोड़ा रश लग रहा है इस साइड पर, देखते हैं। रश में ज्यादा मजा, लोग ज्यादा। ये देखें यहाँ पे फोटो भी लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। ये देखें इतनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ यहाँ पर, इतनी प्यारी प्यारी लड़की और लड़के हैं यहाँ पर, क्योंकि एनवायरनमेंट इनका ऐसा है यूरोप में, तो फुल यूरोपियन कल्चर है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा मजमा लग रहा है। मेरे ख्याल से क्या करना क्या चाह रहे हैं, ये मेरे ख्याल से गाड़ी ड्राइव करना चाह रहे हैं। कहाँ है मेरे दोस्त, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है उस्ताद, जाने दो जाने दो। बस पेट्रोल में गया ये प्लाजा, तो ये सब लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सारे। देखा आप लोगों ने दोस्तों कि ये कितनी पुरानी गाड़ी है और पुराने दौर की। तो ये फोर्ड है भाई, ब्रांडेड। तो अभी उसने चला के दिखाई थी कि किस तरह चलती है, तो अब वो रोमानियन में एक्सप्लेन कर रहा है कि उसको कैसा आपको फील हुआ। तो Ea a fost original, a fost un turier, adică o mașină cu patru uși, patru locuri. Loc bete, sare loc. Pe în anii 30, în perioada de criză, a fost modificată în așa zis picat. Se pare că la un moment dat a avut și un mutăi. Gumne pe nepne loc ai mea, families că sat. Dar probabil că a fost bine când era cu tăi plin, mă gândesc. Clar suntem mândri că avem acest automobil la Iași. Cum vă spuneam, toată informația a pornit de la săptămâna trecută, cum s-a făcut o săptămână, de la Registrul Auto Român din Iași, care a scris o postare pe Facebook despre acest automobil și apoi a început toate știrile, toate posturile de televiziune să povestească despre problema asta și iată că noi suntem în gardie. În fața lucrurilor am putut să avem acest imagine, poze, filme pe telefon și chiar vă invit să le puneți pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube, să le avem amintire că în 2023 la Iași, într-o zi superbă, am putut asculta. Aia, Zen, băi, chiderea. जी जैन भाई कह रहे हैं जी मेरी भी वीडियो बना लें जैन भाई की, थोड़ी वीडियो। हेलो कर दें सबको रोमानिया से। या तो जैन भाई आप फिर इंग्लिश सीख रहे हैं, रोमानियन भी सीख रहे हैं? सही, अच्छी बात है, जल्द से जल्द सीखें। आप जैसे कि सुन सकते हैं जैन भाई को तो ये रोमानिया बहुत पसंद आया। अब रोमान जैन भाई का वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से। भाई जैसे कि आप सुन सकते हैं, सुन सकते हैं आप क्या कह रहे हैं जैन भाई, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ पे लोग का यहाँ का कल्चर है कि टिप्स आपको लाजमी मिलती है, और वो टिप्स जब आपको मिलती है तो वो पाकिस्तान से ये है कि आपको ना बहुत ज़्यादा कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपके अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो मैक्सिमम अभी तक आपको कितनी टिप मिल चुकी है जैन भाई? मंथली तकरीबन 600-700 पाकिस्तानी लगा ले, 30,000 के अराउंड प्लस। उर्दू में बताएं, सारे पाकिस्तानी देख रहे हैं। 30,000 देख लें भाई, सिर्फ 30,000 तो सिर्फ आपकी टिप्स बन रही है। जैसे कि गाड़ियों का काम करता हूं, गाड़ियों के व्हील्स वगैरह चेंज करता हूं, पेंचर लगाता हूं, कस्टमर होता है कभी 50 दे गया, 20 दे गया, 10 दे गया, सुन लें भाई, 1-2 यूरो, 4-5 यूरो, वो डिपेंड करता है आपका लक। ओवरऑल ये कि आप तकरीबन 30,000 तक टिप्स कमा लेते हैं। जब उन्हें पता चलता है ना को आउट ऑफ कंट्री यहाँ पे बंदा आया, तो वो बहुत इम्प्रेस होते हैं, फिर वो ज्यादा देते हैं आपको। जी जैसे क्या
बिल्कुल यहाँ पे आप दें जैसे कि सुना के वो जैन में बिल्कुल सेटिस्फाइड है, टिप्स देते हैं, दिल और ब्लड गार्डन गार्डन हो जाता है तो जैसे कि आपने सुना है कि यहाँ पे टिप्स भी है क्योंकि यहाँ का कल्चर ऐसा है कि आपको टिप्स अच्छी मिल जाती है और आप अर्निंग अच्छी कर लेते हैं। तो मैं आप सब लोगों को जो दोस्त आने चाह रहे हैं पाकिस्तान से स्टडी पे या वर्क परमिट पे तो आप लोग जरूर आए, मोस्ट वेलकम। रोमानिया यूरोप में है, बहुत अच्छा कंट्री है, अरब से देखा जाए तो बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। तो आप लोग अपने जल्द से जल्द अप्लाई करें, यहाँ पे बहुत अच्छा कंट्री है क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको सेफ्टी है और फैसिलिटीज बहुत है, सही बात है, आपको मतलब आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है के साथ किया जाए तो इधर बहुत ज्यादा आपको बिल्कुल, और सैलरी भी अच्छी है, मतलब इतनी बुरी नहीं है, सैलरी अच्छी है नॉर्मल रेंज में मिल जाता आपको। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सऊदीया लगाना है उधर उतना, इधर थोड़ा सा नॉर्मल ऐड करे तो बिल्कुल रेंज में बंदा इधर आ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जैन भाई। तो अब ये है कि मैं आप सब लोगों को भाई यही मशवरा दूंगा कि जो लोग पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं वो अपना जल्द से जल्द कंप्लीट करें जैसे, और बाकी यहाँ का कल्चर एनवायरनमेंट ठीक है, आपको हर चीज़ फैसिलिटीज़ हैं मुहैया। तो अब आपको थोड़ी सी और सैर कराएं, उसके बाद हमने एक और जगह जाना है सैर करने, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी ये दिखा दूँ गाड़ियाँ वगैरह ताकि ये यहाँ पर ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के इजाज़त दें, बाय बाय।